आपके पास ग्राम जूनापानी में सुबह करीब 11:15 बजे लकड़ी काटने का युवक को अधमरी अवस्था में 3 युवक उसके घर छोड़कर भाग गए। घर वाले तत्काल 108 से गंभीर घायल युवक को सिविल अस्पताल लाए। सिविल अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने लापरवाही के चलते घायल को एम्बुलेंस से अस्पताल के अंदर नहीं लिया। लगभग 1.5 घंटे बाद 11:12 बजे डॉक्टर प्रशांत कावजे ने एम्बुलेंस में अधमरे युवक का परीक्षण किया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शव को पीएम रूम में रखवा दिया गया है। वहीं मृतक सुरेश के भाई भारत और धर्मेंद्र ने आरोप लगाया कि अगर समय रहते डॉक्टर इलाज कर देते तो सुरेश की मौत नहीं होती। लाल डॉक्टर भूपेंद्र सिंह चौहान एवं प्रशांत कावजे ने लापरवाही करते हुए अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकले। लगभग 1.5 घंटे तक सुरेश जिंदगी और मौत से लड़ता हुआ एम्बुलेंस में ही पड़ा रहा। सुरेश के भाई ने बताया कि जब तक हम सुरेश को लेकर अस्पताल पहुंचे तब तक उसकी धड़कन चल रही थी। डॉक्टर समय पर इलाज कर देते तो वह बच जाता। इस संबंध में डॉक्टर भूपेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि अस्पताल में एक ही डॉक्टर है जो मरीजों को ओपीडी कर रहा था। एम्बुलेंस वाले ने लाए हुए व्यक्ति को मृत बताया था, इसलिए हमने चेक नहीं किया। प्रभारी डॉक्टर का कहना है कि मैं दांत का डॉक्टर हूँ, जिंदा और मृत आदमी के बारे में नहीं बता सकता। ज्ञात हो कि प्रभारी डॉक्टर की लापरवाही के चलते 2 माह पूर्व एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी। वह भी जूनापानी की ही थी। वहीं परिजनों ने बताया कि सुरेश जिसके साथ गया था उन लोगों पर इनकी हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की भाभी ने बताया कि सुरेश को जब धर्मू घर खाट पर पटक कर गया तब सिर्फ अंडरवियर में था, जबकि सुरेश मुझे लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने की बोलकर गया था। पुलिस ने भी मृतक के परिवार वालों के बयान दर्ज कर लिए हैं। वहीं पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। उसके साथ वाले सब भग गए। हाँ, ये कोई लेके आया है? इसको कौन लेके आया? धर्म रखने आया, बता रहे अपना धर्म। तो बुलाओ ना उसको। कैसे क्या हुआ? ये तो हमारा कभी नहीं मालूम। मजदूरी गया था, ये तो मजदूरी जाता था। उस समय डॉक्टर जो है उन डॉक्टर ड्यूटी जो इमरजेंसी कर रहे थे है ना, उनको आके सूचना दी है उसने 108 वाले ने कि डेड बॉडी लेके आए हैं। ठीक है, अब वो डेड बॉडी लेने का जब उसने बोला है तो उसके बाद डॉक्टर साहब पास और जो आता बहुत सारे पेशेंट आ गए थे तो उनमें बिजी थे, इस कारण हो सकता है उसमें डिले हो गया उसको।